कंस्ट्रेन मोशन के ऊपर, पिछला लेक्चर भी मेरा कंस्ट्रेन मोशन के ऊपर ही हुआ था, वहां पे मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेन बताया था। आज मैं बताने वाला हूं वेज कंस्ट्रेन। बहुतों को इसमें दिक्कतें आती है, चाहे वो 11th वाले हो या 12th वाले हो, उनको पता नहीं वेज कंस्ट्रेन में बहुत प्रॉब्लम आती है। पहले अपन देखेंगे कि आखिर वेज कंस्ट्रेन होता क्या है, ये देखने के बाद अपन दो तीन सवाल करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और फिर तुम्हें आज के बाद पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई वेज कंस्ट्रेन करते कैसे और क्या करना होता है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा ATP स्टार का ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से अभी तुरंत डाउनलोड करो, बहुत बेहतरीन ऐप है। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो, जल्दी से लाइक तुरंत करो, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते। देखो अब वेज कंस्ट्रेन क्या है, वो बहुत भयंकर तोप वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, समझाता हूं। देखो क्या, मान लो मैंने क्या बोला कि यार एक ब्लॉक मेरे पास M1 है, एक M2 है, सपोज कर मैंने बोला इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, एज्यूम कर लो, और इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, क्या दोनों साथ चलेंगे या अलग हो जाएंगे, जल्दी बताओ। ऑब्वियस सी बात है, इसकी ज्यादा इसकी कम कहां से साथ चलेंगे, ये अलग हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा और ये आ जाएगा उसके पीछे, कभी साथ नहीं चल सकते। हमने बोला अच्छा कुछ ऐसा हुआ कि हमने क्या किया, दोनों की वेलोसिटी को कर दिया सेम, अब बताओ दोनों साथ चलेंगे क्या अलग चलेंगे, और कॉमन सेंस की बात है दोनों साथ चलेंगे। मैंने सवाल में थोड़ा सा चेंजेस किया, अब मुझे बताना, मैंने बोला यार ये M2 ब्लॉक है, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये M1 वाला ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, और आगे के तरफ भी जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, मतलब इस M1 के पास दो वेलोसिटी है, दो डायरेक्शन में, एक इधर एक इधर, मतलब अगर मैं सिर्फ M1 की बात करूं तो M1 के पास कुछ ऐसी है वेलोसिटी, वो आगे तो जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, नीचे कितने जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है दोनों साथ में ही रहेंगे, वो अलग बात है कि कुछ दूर बढ़ने के बाद ये M1 यहां पहुंच जाएगा, बट जब तक दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम है दोनों साथ रहेंगे, कुछ समय के बाद पता चलेगा कि M1 नीचे पहुंच गया, M2 फिर भी दोनों साथ रहेंगे, क्यों साथ रह रहे हैं, ये वेलोसिटी होने के बावजूद दोनों साथ रह रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि दोनों की ये वाली वेलोसिटी सेम है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये वेलोसिटी सेम थी इसलिए दोनों साथ थे। इससे हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि इन दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं, अगर दोनों सरफेस कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं तो इनका कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है, क्या बोला, कॉमन नॉर्मल, यही है भाई, ये इस पे नॉर्मल इधर लगा रहा है और ये इस पे नॉर्मल इधर लगा रहा है, यानी कि कॉमन नॉर्मल वाली लाइन में, कॉमन नॉर्मल वाली लाइन में जो वेलोसिटी आए अगर दोनों का सेम आ गया तो दोनों साथ में चलेंगे, वरना दोनों साथ में नहीं चलेंगे। यानी कि अगर इसकी मैंने 2 से 1 कर दी, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इसकी अलग दोनों साथ नहीं चलेंगे, इस 1 से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 जो है वो नॉर्मल वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल वाली लाइन के परपेंडिकुलर वाले से अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को मतलब है कि नॉर्मल लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होगा, तभी दोनों चिपक के चलेंगे, वरना दोनों अलग अलग चलेंगे। बिल्कुल दिमाग में इस बात का ध्यान रखोगे तो एक भी वेज कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बात करते हैं, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं समझना, देखो यार एक सिस्टम दिया हुआ है अपना, सिंपल सा एग्जांपल है, सब फ्रिक्शन लेस है, पूरा सरफेस फ्रिक्शन लेस है, अब एक कॉमन सेंस क्या बोल रहा है, ये किधर जाएगा भाई, ये जाएगा नीचे A1 से, अगर ये नीचे आया इसको धक्का देगा, ये किधर भागेगा, ये भागेगा इधर
ए टू से, इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, ये इधर ए टू से भाग रहा है। मुझे बोला कि भाई अगर ये दोनों ये कॉन्टैक्ट मेंटेन है, ये कॉन्टैक्ट अगर मेंटेन्ड है तो मुझे ए वन और ए टू के बीच में रिश्ता बताओ, अगर ये कॉन्टैक्ट मेंटेन है तो मुझे ए वन ए टू के बीच में रिश्ता बताओ, दोनों के कॉन्टैक्ट के अलोंग नॉर्मल वाली लाइन कौन सी है। दिस इज माई नॉर्मल लाइन। अब मैं क्या बोला सुनना, इस ए वन को उठाया यहां रख दिया, इस ए टू को उठाया यहां रख दिया। मैंने क्या बोला, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है तो ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 माइनस थीटा। ए टू का दो कंपोनेंट है, ए टू का ये वाला कंपोनेंट क्या है, ए टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ए टू साइन थीटा। ए टू का ये वाला कंपोनेंट क्या है, ए टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि ए टू कॉस थीटा। ए वन का भी दो कंपोनेंट है, ए वन का ये वाला कंपोनेंट क्या है, तो ये है ए वन थीटा है तो कॉस थीटा। ए वन का ये वाला कंपोनेंट क्या है, तो ए वन साइन थीटा। अब मैंने अभी क्या बोला कि नॉर्मल के अलोंग वाली वेलोसिटी से ही मतलब है, इसके परपेंडिकुलर वाली से कोई मतलब नहीं है। अगर ये कॉन्टैक्ट मेंटेन है, अगर ये कॉन्टैक्ट मेंटेन है यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन, वहां वेलोसिटी यहां एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन नॉर्मल के अलोंग सेम होना पड़ेगा वरना ये कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं रहेगा। यानी कि ए वन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू ए टू साइन थीटा, यहां से आ गया ए वन इज इक्वल्स टू ए टू टेन थीटा। इसी रिलेशन को बोलते हैं वेज कंस्ट्रेन रिलेशन। आई बात समझ में। अगला सवाल देखो, फिर से मैंने एक लेवल ऊपर कर दिया, बकवास कुछ भी नहीं, बकवास है। अब मुझे एक बात हो, या तो ये नीचे जाएगा और मुझे नहीं पता ये किधर जाएगा, ये अगर नीचे गया तो ये इसको धक्का देगा, मुझे नहीं पता कौन किधर जाएगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं ये इधर गया ए से, अगर ये इधर ए से गया तो इसको धक्का देगा, ये ऊपर भागेगा ए टू से, ये नीचे दब रहा है तो ये नीचे आया ए वन से, मुझे नहीं पता था, मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई ये नीचे आ रहा है, ये इसको इधर शिफ्ट कर रहा है, ये शिफ्ट हुआ तो ये ऊपर ए टू जा रहा है। मुझे ए टू ए और ए वन के बीच में रिश्ता चाहिए, मुझे ए टू ए और ए वन के बीच में रिश्ता चाहिए। देखना मैं कैसे निकाल रहा हूं, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो इस ए को उठाओ और यहां डाल दो, ये रहा ए, इस ए वन को उठाओ और यहां डाल दो, ये रहा ए वन, नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लिया। अगर इन दोनों को टच में डाना है तो एक्सेलरेशन का इसके अलोंग दोनों का कंपोनेंट को सेम होना पड़ेगा। गौर से देखना, अगर ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अल्फा सेम उसी की तरह, ये कितना आ गया, ये आ गया 90 माइनस अल्फा, यानी कि ए का ये वाला कंपोनेंट, ए का ये वाला कंपोनेंट क्या, ए कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा यानी कि ए साइन अल्फा, ए कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा यानी कि ए साइन अल्फा, दिख रहा है। ए वन का ये वाला कंपोनेंट ए वन कॉस अल्फा, आ रही बात समझ में, या क्या ए वन कॉस, दोनों बराबर होगा तभी ये चलेंगे। इसका नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट, इसका नॉर्मल, दोनों का नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट सेम होगा तभी दोनों साथ में रहेंगे। अब इसकी बात कर ले, इसकी बात कर ले, इसकी बात करने के लिए मैं फ्रेश में फिगर यहां बना रहा हूं, इसको उठाया यहां डाल दिया, इसको उठाया यहां डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है, ये है बीटा तो ये भी मेरा बेटा, ये नॉर्मल, ये बीटा तो ये 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस बीटा तो ये बीटा। इस ए टू का दो कंपोनेंट है, ए टू का बीटा के साथ ए टू कॉस बीटा, इधर वाला ए टू साइन बीटा,
ए का भी दो कंपोनेंट है, ए का ये वाला कंपोनेंट ए कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा यानी कि ए साइन बीटा, और ए का ये वाला कंपोनेंट ए कॉस बीटा। अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेंटेन है तो नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, यानी कि ये और ये सेम होना चाहिए, यानी कि ए साइन बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू ए टू कॉस बीटा। दो अलग अलग इक्वेशन तीनों के बीच में रिलेशन मुझे दे दिया, सिंपल है बिल्कुल। नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को बराबर करना है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसको मैं मानता हूं। देखो अब सिस्टम दिया हुआ है, सब कुछ स्मूथ है, ये नीचे आ रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, ये प्लैंक भी इधर उधर कहीं भाग रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कॉम्प्लेक्स है, नीचे तो आ ही रहा है, मुझे नहीं पता प्लैंक किधर जा रहा है, मुझे नहीं पता ये किधर जा रहा है, मैंने माना कि ये इधर जा रहा है ऐसे, मानने में क्या जाता है, मैंने माना ये इधर जा रहा है ऐसे, मानने में क्या जाता है, ये इधर जा रहा है ऐसे, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात सोचो, ये नीचे भी आ रहा होगा और इधर भी जा रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, कैसे, तो भाई ये नीचे तो आ ही रहा है साथ में इधर भी जा रहा है, इनका रिजल्टेंट कुछ बीच में ऐसे आएगा। हमने क्या बोला, इसका जो नेट रिजल्टेंट आया इधर, क्योंकि ये इसके साथ में, भाई ये इसके साथ चिपका हुआ है, तो इसके साथ इधर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो इसके इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक इधर वाला और एक खुद का इसका, यानी कि इनका रिजल्टेंट है इसके पास। अब मैंने बोला कि इस रिजल्टेंट का दो कंपोनेंट है, इस ए नेट का दो कंपोनेंट है, एक जो है इनक्लाइंड के लॉन्ग, इसको मैंने बोल दिया ए एक्स वन, एक है इनक्लाइंड के परपेंडिकुलर, नेट का दो कंपोनेंट कर दिया, इसको मैंने बोल दिया ए वाई वन। क्या फर्क पड़ता है। सिमिलरली मैंने इसकी बात करी M2 की, देखना M2 का भी acceleration complex, M2 इधर तो जा ही रहा है इसके साथ और साथ में नीचे भी आ रहा है, यानी कि M2 का भी acceleration कुछ अटपटांग टाइप से कुछ ऐसा या कुछ ऐसा होगा। हमने कहा कि इस M2 के भी A net का हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, नेट निकाला और एक कंपोनेंट इनक्लाइंड के अलोंग, इसको बोल दिया ए एक्स टू, और एक इनक्लाइंड के परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया ए वाई टू। फर्क पड़ता है क्या, क्या फर्क पड़ता है, यानी कि इस एम वन के पास दो एक्सेलरेशन है, एम वन के पास नेट एक्सेलरेशन का दो हिस्सा है। ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम में नेट का दो कंपोनेंट किया है, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ ए एक्स वन, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर की तरफ ए वाई वन, इसका भी दो कंपोनेंट है, नीचे की तरफ ए एक्स टू, इधर की तरफ, नीचे की तरफ ए वाई टू। कर लिया कंपोनेंट में तोड़ लिया सबको, इसका जो भी नेट आया, इसका जो भी नेट आया उसका एक इधर और एक इधर में तोड़ लिया, इसका जो भी नेट आया उसका एक इधर और एक इधर में तोड़ लिया, सब कुछ बढ़िया तोड़ लिया। अब तोड़ने के बाद मुझे बोला रिलेशन बताओ, मैंने कहा सिंपल सी बात है, इसका नॉर्मल के लॉन्ग इसके एक्सेलरेशन क्या है, नॉर्मल के लॉन्ग M1 का एक्सेलरेशन क्या है, ए वाई वन है, A का ये A है, अल्फा 90 माइनस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, अगर दोनों को चिपक के रहना है नॉर्मल के लॉन्ग दोनों के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट सेम होना चाहिए, इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट तो ए वाई है, यानी कि ए वाई वन इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर पहला। अगर दोनों को चिपक के रहना है, इसका एक्सेलरेशन वेज का ए है, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये ऊपर वाला हो गया कॉस बीटा, इधर वाला हो गया ए साइन बीटा, देखो ए
ये बीटा, तो ये भी बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये आ गया ए साइन बीटा, वो ए साइन बीटा ए वाई के बराबर होगा, तभी दोनों चिपक करेंगे। नॉर्मल के लॉन्ग इससे तो मतलब ही नहीं है, नॉर्मल के लॉन्ग दोनों का एक्सेलरेशन कंपोनेंट सेम होना चाहिए, यही होता है नॉर्मल कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट, जो भी इसको तुम बोल दो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी तुम देखो कि दो सर्फेस कॉन्टैक्ट में है, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि नॉर्मल के लॉन्ग आएगा दोनों का सेम होना पड़ेगा, वरना दोनों अलग हो जाएंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा ऐप भी आ चुका है, अभी जाके गूगल प्ले पे डाउनलोड करो, 10,000 से ऊपर आ चुके हैं डाउनलोड, ठीक है। और हाँ, सजेशन में जोड़ देना कमेंट में कि तुम्हें अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए, और जो भी तुम्हारे डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, देखो क्वेश्चन तुम डाउट में मेल में क्वेश्चन मत भेजा करो, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के तुम्हें रिप्लाई कर सकूं। तुम्हारा कोई पर्सनल क्वेरी है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो मेल पे, किस पे, helloshanu1@gmail.com, helloshanu1 इस पे तुम मेल कर सकते हो। तो पर्सनल क्वेरी कुछ भी हो तुम मुझे मेल कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चंस भेजते हो तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है। बताना कैसा लगा वीडियो, अगला वीडियो तुम्हारे किसके ऊपर चाहिए, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।